उनको पूरा तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अभी 25 तारीख को परीक्षा होने वाली है, समय नहीं है। मैं आशा रखता हूं राजस्थान की सरकार उनकी मांग को मानेगी और उन गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को भी अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। आपने मुझे मौका दिया अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, विधानसभा की नियम 50 में मैं सेना भर्ती रैली के आयोजन के संबंध में बात करना चाहता हूं। कोरोना के बाद राजस्थान के लाखों युवा जो सेना की भर्ती देखना चाहते हैं, हमारे झुंझुनू एआरओ सेंटर जहां मेरा जिला हनुमानगढ़ और हमारी तहसीलें उसमें शामिल हैं, पिछले 3 साल से कोई सेना की भर्ती रैली नहीं हुई है। तो नौजवान सेना के लिए तैयारी करते हैं, सुबह शाम ग्राउंड पर जाते हैं, जो गरीब हैं समय बहुत कम उनके पास होता है अपनी आजीविका के बाद ग्राउंड पर तैयारी करने का, वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, हमने पहले चिट्ठी भी लिखी है कि सेना के नियमों को देखते हुए क्या प्रयास किए हैं और उन प्रयास के बाद क्या सेना की तरफ से जवाब आया है और कितने दिनों में सारे एआरओ सेंटरों पर भर्ती करी जाएगी ताकि नौजवानों को मौका मिले। अध्यक्ष जी, जो नौजवान 3 साल में भर्ती नहीं देख पाए हैं, क्या उनको एवरेज होने से बचाने के लिए सेना अपने नियमों में ढील देगी और उनको 2 साल या 3 साल का बेनिफिट देगी? ये सवाल भी नौजवानों के सामने, इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि राजस्थान की सरकार भारत के रक्षा मंत्रालय से बात करके सेना भर्ती रैली का आयोजन करवाए। नौजवानों को जो सेना में जाना चाहते हैं और जो सेना के साथ जज्बा भी रखते हैं, उनकी भावनाओं को भी पूरा करे और उनको रोजगार दिलाने का काम भी करे। राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर जवाब भी जनता को देगी और नौजवानों को तुरंत सेना भर्ती रैली आयोजन करवा करके सारे एआरओ सेंटरों पर तुरंत प्रभाव से नौकरी दिलवाने का, रोजगार दिलवाने का काम करेगी और उन नौजवानों को भारत माँ की सेवा करने के लिए और फौज में जाने के सपने को पूरा करने का मौका देगी। धन्यवाद। आपको प्रोटेस्ट करना है चेयर के सामने, डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द कैंडिडेट प्लीज। माननीय सदस्य, आपको प्रोटेस्ट करना है चेयर के सामने, बोलने वाले के सामने आप नहीं करेंगे प्लीज। आपको जो भी करना है चेयर के सामने करें। 295 श्री जक्सी राम, श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री जोला राम कुमावत, श्री सुरेश रावत, श्री छगन सिंह, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, श्री फूल सिंह मीणा, श्री समाराम गरासिया, श्री जबर सिंह सांकला, श्री गिरधारी लाल। आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय, आपने विशेष विधेयक के तहत 295 में बोलने का मौका दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष में, माननीय सदस्य, वित्तीय वर्ष में बाद से